or guide in subsequent situations. Option A is given precedent. Option B is given predecessor. Option C is given president, and option D is given precursor. Okay, take your time and try to do it yourself. A previous case that might serve as an. Next, one who walks on foot, जो पैदल चलता है. Option A is pauper. Option B is pediatrician. Option A is pauper. Option B is pediatrician. Option C is pedestrian. And option B is protagonist. ओके, चलिए देखते हैं. पॉपर किसको बोलते हैं? बहुत ही गरीब को. और पेडियाट्रिशियन किसको बोलते हैं? बच्चों के डॉक्टर को. पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाला. प्रोटेगोनिस्ट किसको बोलते हैं? किसी स्टोरी के हीरो को, उसके नायक. तो यहां पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एन ऑफिशियल पार्डन. ऑफिशियल पार्डन, पार्डन मीन क्षमा. औपचारिक क्षमा क्या होती है? ऑप्शन ए इज गिवन रेजिसाइड. ऑप्शन बी इज रिडेम्पशन. ऑप्शन सी इज एमनेस्टी. एंड ऑप्शन डी इज एमनेसिया. ओके, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. और रिडेम्पशन मीन्स होता है मुक्ति. एमनेस्टी मीन्स होता है राज्य क्षमा. और एमनेशिया एक बीमारी है भूलने की. एमनेशिया विस्मरण, भूलने की बीमारी. तो ऑप्शन यहां पर सी विल बी करेक्ट. एमनेस्टी राज्य क्षमा पार्डन से संबंधित है ना. और साइट तो जहां पर लगा होता है वो डेथ को बताता है, किसी की हत्या को, मर्डर को बताता है साइट को. तो साइट जो है ये सही नहीं होगा. Amnesty will be correct. Next, देखेंगे. That which cannot be seen through. That which cannot be seen through. जिसके through, जिससे हो करके देखा नहीं जा सकता. Option A is transparent. Option B is invisible. Option C is magical. Option D is opaque. आइए देखते हैं. अगर तो ट्रांसपेरेंट मींस क्या होता है? पारदर्शी. इनविजिबल का क्या अर्थ होता है? अदृश्य, जो दिखाई ना दे. और ट्रांसपेरेंट क्या होता है? पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके. और यहां पे पूछ रहा है कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिससे होकर के आर पार देखा ना जा सके. मैजिकल का अर्थ होता है जादुई. ओपेक का अर्थ होता है अपारदर्शी. अपारदर्शी मींस जिससे आर पार देखा ना जा सके. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड. विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, गाइडेड या फिर कंट्रोल्ड होने की इच्छा. ऑप्शन फर्स्ट इज एडोरेबल. ऑप्शन बी इज एडमेंट. ऑप्शन सी इज amenable and option D is abominable. Adorable means होता है पूजनीय, जिसकी पूजा हो सके, यानी अत्यंत प्यारा,
एडमेंट मींस होता है अटल, जिसको टाला ना जा सके। एमिनेबल मींस ओबीडियंट, आज्ञाकारी। और एबोमिनेबल मींस घृणित। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, एमिनेबल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला क्वेश्चन है, फ्लावर्स और लीव्स वोवन टुगेदर इन अ सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन द कॉफिन और अ ग्रेव। ऑप्शंस आर गिवेन, ऑप्शन ए इज बंच, ऑप्शन बी इज रेथ, ऑप्शन सी इज बुके, ऑप्शन डी इज गार्लैंड। ओके, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। लेट्स सी, बंच किसको बोलते हैं? बंच मींस होता है किसी भी चीज का ग्रुप, उसका गुच्छा या फिर समूह का, उसका समूह है ना, जैसे कि बंच ऑफ बनाना, बंच ऑफ कीज। ऑप्शन बी इज रेथ, रेथ किसको बोलते हैं? फूलों के हार को। ऑप्शन सी इज गिवन हियर बुके, बुके मींस होता है फूलों का गुच्छा। एंड ऑप्शन डी इज गिवेन गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स भी फूलों का हार होता है और रेथ भी फूलों का हार होता है, लेकिन यहां पर दिया है अ सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन और अ ग्रेव, किसी कब्र पर या फिर कॉफिन पर जिसको प्लेस किया जाए, रखा जाए। कॉफिन किसको बोलते हैं? जिसमें डेड बॉडी को, वो बॉक्स जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है। और ग्रेव किसको बोलते हैं? कब्र को। तो उस पे आपने देखा होगा कि जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो उनको पिरोया गया होता है, उसको वोविन किया गया होता है एक साथ, किसमें? सर्कल में, वो गोल गोल होते हैं। लेकिन जो गार्लैंड होता है वो गोल नहीं होता, उसको गले में पहनते हैं। तो रेथ और गार्लैंड में ये डिफरेंस है। ऑप्शन बी बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवेन, अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऐसा कार्य, ऐसा ट्रेड, ऐसा व्यापार जो कि नियम के अनुसार प्रोहिबिटेड है, वर्जित है। ऑप्शन ए इज गिवेन इलिट, ऑप्शन बी इज गिवेन इनक्रेडिबल, ऑप्शन सी इज गिवेन एल्यूसिव, ऑप्शन डी इज गिवेन इनैप्ट। ओके, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। लेट्स सी, द फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट। इलेक्ट मींस होता है इलीगल, अवैध। इनक्रेडिबल मींस होता है अतुलनीय, असाधारण। इल्यूजिव का अर्थ होता है धोखे से, और इनैप्ट का अर्थ होता है अनुपयुक्त। तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ कौन सा होना चाहिए? इलिक्ट विल बी राइट आंसर। टू गिव अप द थ्रोन, थ्रोन मीन सिंहासन, गिव अप पीस होता है त्याग देना, सिंहासन को त्याग देना। ऑप्शन आर गिवेन, द फर्स्ट इज कंसाइन, ऑप्शन बी इज गिवेन अब्डिकेट, ऑप्शन सी इज गिवेन असर, ऑप्शन डी इज गिवेन बिक्वीथ। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। ओके, लेट्स सी, कंसाइन मींस सौंप देना, एब्डिकेट मींस पद त्याग कर देना, असर मींस हड़पना, एंड बिक्वीथ मींस वसीयत करना। तो टू गिव अप थ्रोन, अपना सिंहासन देना, मतलब कि अपने पद का त्याग करना,
है ना। ऑप्शन बी विल बी राइट हियर। वन हु इम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, अपने देश के लिए जान की कुर्बानी दे देना, जान दे देना। ऑप्शन ए इज गिवन मार्टर, ऑप्शन बी इज गिवन डिप्लोमैट, ऑप्शन सी इज गिवन फैनेटिक, ऑप्शन डी इज गिवन पैट्राइट। मर्ट्राय मीन्स होता है शहीद, फैनेटिक किसको बोलते हैं, कट्टर व्यक्ति को, डिप्लोमेट राजदूत होता है, पैट्रायट कौन सा होता है, देशभक्त। तो इसमें से कौन सा है जो वॉलंटरी डेथ देता है, वॉलंटरी डेथ को इम्ब्रेस करता है फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, अपने देश की रक्षा के लिए। तो शहीद मार्टर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर, जो हु इज इनडिफरेंट, जो अलग हो, किससे अलग हो, टू आर्ट एंड कल्चर, आर्ट से और कल्चर से डिफरेंट, उससे अलग हो। ऑप्शन ए इज गिवन फिलांडर, ऑप्शन बी इज गिवन सैनिक, ऑप्शन सी इज गिवन फिलिस्टाइन, ऑप्शन डी इज गिवन साइंटिस्ट। ओके, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। ओके, लेट्स सी। फिलैंड्रर मीन्स होता है व्यभिचारी, सैनिक होता है, सैनिक ऐसे लोग होते हैं जो दोषदर्शी होते हैं, है ना, उनको दोष दिखाई देता है हर जगह। और फिलिस्ताइन होता है संस्कृति विमुख, जो संस्कृति से, कल्चर से दूर हो, फिलिस्ताइन। साइंटिस्ट होते हैं वैज्ञानिक, है ना। ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन।